नमस्कार दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो है कि डिलीवरीज बॉयज़ एक्चुअल में क्या सिचुएशंस है अभी कतर में। यार, जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, वो प्रॉब्लम्स ये है कि वहाँ पर अभी डिलीवरीज बॉयज़ इन्होंने वर्ल्ड कप के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा हायर कर दिए हैं। सपोज़ जहाँ 20,000 होने चाहिए थे वहाँ 40,000 हो गए ओवरऑल टोटल। अगर आप तलाबात, सुनूनू, रफ़ी है ना, और अगर मैं बताऊँ वहाँ पर क्लिक्स के भी ड्राइवर्स होते हैं, कुछ 3-4 हज़ार के आसपास उनके पास कार राइडर हैं, 3-4 हज़ार आप लगा लो बाइक राइडर भी है। तो अगर मैं ओवरऑल डिलीवरीज बताऊँ, मैं बाइक कार मिला करके अराउंड 40,000 के आसपास, 40 से 50 हज़ार ना चले गए ये नंबर, इतने डिलीवरीज बॉयज़ वहाँ पर काम करते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम, कार एंड बाइक दोनों को मिला करके। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जब कोई भी नंबर ऑफ पीपल जब इंक्रीज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो आपको क्या ऑर्डर मिलने कम हो जाते हैं। अब मैं सच्चाई दूसरी ये बताता हूँ कि काफ़ी लोग जो अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से हायर होते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि भाई आपको हम सैलरी वहाँ पर देंगे, बट जब वो वहाँ पहुँचते हैं कतर में, तब उनको पता चलता है कि यार ये कमीशन बेस है, आप जितने ऑर्डर डिलीवर करेंगे आपको उस हिसाब से 5 रियाल पर ऑर्डर, 4.5 रियाल पर ऑर्डर, 6 रियाल पर ऑर्डर मिलेगा। उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, इसमें ये दिक्कत हो जाती है कि एक दिन में आपको मिनिमम अगर आप 15 से 20 ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पाते हो तो आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो भी नहीं निकल पाते अच्छे से, आप समझ रहे हो। तो रियलिटी ऐसी है, मैं एक वीडियो डालूंगा इसके बाद, तो वो कार राइडर था, तो उसने फ्राइडे वाली दिन था वो, और 18 ऑर्डर लेके गया वो टोटल। तो मॉर्निंग 8 बजे से उसने स्टार्ट करा, रात के 8 बजे तक, तो 18 ऑर्डर लेके गया। उस केस में उसका ठीक ठाक रहा क्योंकि वो 10-11 रियाल पर ऑर्डर उसको मिलता था, क्योंकि वो फ्रीलांसर वीज़ा में है वहाँ पर। तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि कुछ लोग कंपनी वीज़ा में जाते हैं उसके रेट 5 रियाल होंगे, कुछ लोग फ्रीलांसर में उसके उसके रेट 10 से 11 रियाल होते हैं, किसी के 12 भी हो सकते हैं, अलग अलग रेट, किसी के 15 भी जा सकते हैं फ्रीलांसर में। तो फ्रीलांस वीज़ा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसके अलग चार्जेस वहाँ पर रहते हैं। तो आप दूसरे की कमाई देख करके कभी मत जाओ वहाँ पर, ये मैं पहला सजेशन आपको देता हूँ। दूसरा कि आप कौन सी वीज़ा में जा रहे हो, आप क्या फर्स्ट टाइम जा रहे हो, वो भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपका जो एजेंट है वो कैसा है, उसके लिंक कैसे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया वहाँ पर, थोड़ा सा ऐसा कर दिया है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा रिलीज़ कर दिए हैं, ड्राइवर्स के वीज़ा रिलीज़ कर दिए। अब जो ये बाहर बैठे होते लोग, इन्होंने ख़रीद लिए, अब ये बेच रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं तो बेच रहे हैं, एक काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसमें क्या होगी, भीड़ जमा होगी वहाँ पर, अब इतने ऑर्डर नहीं है भाई, ऑर्डर तो वही लोग करेंगे जो वहाँ रह रहे हैं, आप समझ लो। अब लोग वहाँ रह रहे कम, ऑर्डर भी आते हैं कम। अब ओपन वहाँ रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो गए हैं, अगर लॉकडाउन होता तो मैं मान सकता, चलो लॉकडाउन हो गया वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज होगी, अब तो रेस्टोरेंट भी ओपन हो गए वहाँ पर, तो इस चक्कर से थोड़ा दिक्कत आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई थोड़ा सब्र करो, अभी वहाँ वर्ल्ड कप के चक्कर में भीड़ मत लगाओ, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ऐसा भी हो सकता है जितने लोग वहाँ जा रखे हैं वापस भी आ सकते हैं वो लोग, क्योंकि वर्ल्ड कप में पैसे कमा लेंगे वो 1 महीना 1.5 महीना, और वो बोलेंगे भैया टिकट का हो गया पैसा, चलो वापस चलो। तो टू यू गाइस, अप टू यू, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वेट करो, भीड़ के पीछे मत दौड़ो। अगर आपको जाना है तो आप अभी माल्टा, यूरोप की तरफ जाओ, माल्टा में भी बहुत वैकेंसीज आती हैं इन चीज़ों की, यूरोप में वो इजीली आपको फिक्स सैलरी भी दे सकते हैं वो, तो आप लगा लो यूरोप में आप 70-80 हज़ार रुपये ऐसे ही कमा लोगे, अगर आप इंडियन करेंसी की बात कर रहे हो। अगर आप पाकिस्तानी वगैरह के हैं तो 1-1.5 लाख रुपये कमा लोगे। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ टेल मी हाउ इज़ माई लुक।